जी प्रोग्राम है ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया और हमारे साथ आज गेस्ट के तौर पर मौजूद है डॉक्टर आसिम यूसुफ जई साहब। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो वंस अगेन। गुड टू बी विद यू। डॉक्टर आसिम यूसुफ जई, आपसे बहुत बात होती रही इंडिया के इलेक्शन हमने बड़े एक थॉरली कवर किए, उससे पहले जो हालात थे इंडियन पॉलिटिक्स पर और वहां पर नरेंद्र मोदी साहब का जो एक नहीं बल्कि जितने स्टेक्स हैं उसके ऊपर कई मर्तबा आपने भी बात की। इलेक्शन रिजल्ट्स जो हैं उसमें कहा यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा धचका है और मैं ये समझती हूँ कि उनके अपने लिए भी ये एक धचके की तरह इसलिए कि वो 400 पार कह रहे थे। अब जो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि जो डेंट है वो यूपी में पड़ा है और यूपी की जो सारी ऑलमोस्ट सीट्स हैं वो उन वहां पे तकरीबन उन्होंने 30 के करीब सीट्स लूज किए हैं उसने बीजेपी ने। तो अगर वो वाली सीट्स होती तो इस वक्त सिचुएशन कुछ और होती। हुकूमत तो सर वो बना रहे हैं, उनकी बढ़तरी तो है। आप इस सारे सिनेरियो को कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए यहाँ पर आज जो है वो दो तीन चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो सामने आई है। एक बात तो ये है कि जो पॉलिटिकल जो डायनेस्टीज होती हैं या जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज होती हैं वो परमानेंटली जो है ना वो टॉप पे नहीं रह सकती हैं। पॉलिटिक्स जो है वो डेमोक्रेसी इसी तरह से होती है। मेरे ख्याल में अब भी डिस्पाइट के उसने 400 का कहा था, 400 उसको नहीं मिली, काफी कम उसको मिल गई हैं। बीजेपी ने खुद काफी सारी जो है सीट्स लूज किए हैं, कांग्रेस ने काफी सारी सीट जो है वो गेन किए हैं। इवन जहां पर उन्होंने राम मंदिर जो है उसको इनॉग्रेट किया है उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो है उसने लूज किया है। तो इसकी वजह से जो है ना वो दो तीन चीजें सामने हमारी आती हैं। एक बात तो ये है कि जो है वो ऑटोक्रेसीज या डिक्टेटरशिप जो है वो कंटिन्यूड रहती हैं, डेमोक्रेसीज कंटिन्यूड नहीं रहती हैं और ये उसकी एक ब्यूटी है एक्चुअली, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उसमें एक चेंज आ जाए एक्चुअली। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ये एक नेचुरल चेंज है जो कि आज हमने इंडिया में देखा। मेरे अपने ख्याल में उससे जो है ना वो इसकी डेमोक्रेसी जो इंडियन डेमोक्रेसी है वो स्ट्रेंथन होगी, ना कि जो है ना उस पर कोई डेंट आएगा, ना ही उसमें कोई जो है ना वो कमी आएगी। आज जो है ना सबसे बड़ी डेमोक्रेसी ने आज वोट किए हैं, बैलेट्स जो है वो कोई 640 मिलियन लोगों जो है ना उन्होंने अपना बैलेट यूज किया है। दैट्स द ग्रेट अचीवमेंट ऑन इट्स ओन एक्चुअली, ठीक है ना। अब जरा कंपेयर कर ले दूसरे डेमोक्रेसीज के साथ। जो दूसरी बड़ी डेमोक्रेसी है दुनिया में वो है अमेरिकन डेमोक्रेसी। आप जरा ये देखें कि उसमें पिछले 8 सालों से कितना स्ट्रेस पड़ा हुआ है अमेरिकन डेमोक्रेसी पे। लास्ट जो रिजल्ट्स थे अमेरिकन इलेक्शन के उसको लूजिंग कैंडिडेट ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। लूजिंग कैंडिडेट ने आज तक जो है वो कंसीड नहीं किया है, ठीक है ना। लेकिन इंडियन डेमोक्रेसी में इस तरह से नहीं है। कोई भी नहीं कह सकता है कि इंडियन के जो आज का इलेक्शन हुआ है वो फेयर नहीं था, वो फ्री एंड फेयर नहीं था, कोई भी नहीं कह सकता है। इवन जो अपोजिशन है, ठीक है ना, इंडियन अपोजिशन, वो ये नहीं कह सकती है कि आज का इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं था। तो ये जो है ना ये सारी आज जितनी भी चीजें हुई हैं ये पॉजिटिव चीजें हुई हैं। अब चूंकि बीजेपी ने लूज किए हैं बहुत सारे सीट्स तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्टोरेट है दे हैव स्पोकन, ठीक है। उन्होंने ये कहा है कि जो एब्सोल्यूट पावर जो आप चाहते थे वो हम आपको नहीं दे सकते, ठीक है। तो इससे जो है ना वो क्लियरली उन्होंने बता दिया है कि आपका जो भी एजेंडा था उस पे जो है हम थोड़ा सा ब्रेक लगाना चाहते हैं और दैट्स अ गुड थिंग। इसमें कोई बुरी बात जो है वो नहीं है। जो इकोनॉमिक एजेंडा है मोदी का वो उसको उसी तरह से मतलब उसको वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अभी, क्योंकि अभी जो है ना वो थोड़ा सा उसका जो जो पॉलिटिकल जिसको पॉलिटिकल वेल्थ कहते हैं ना वो अब थोड़ा सा कम हो जाएगा ये, क्योंकि उसने जो है वो कॉलिशन गवर्नमेंट जाहिर है बनानी होगी और उसने जो है उसमें से काफी सारे कंसेशन जो है वो देने होंगे उसमें से। तो जाहिर है उसका जो 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 उसके जो जो जिस तेजी से वो इंडिया को जो है वो एक डेवलप्ड कंट्री बनाना चाहते थे
तो उसमें यह है कि थोड़ी सी उसमें जो जो स्पीड है, जो रफ्तार है, उसकी थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि मूडी चाहते हैं कि वो 2047 तक इंडिया जो है वो एक डेवलप्ड मुल्क बन जाए, मतलब 100 साल जो है वो मुकम्मल होने को होंगे उस वक्त। तो वो एजेंडा जो है वो अभी मतलब इट इज ऑन ट्रैक, थोड़ा सा वो स्लो हो जाएगा, बट स्टिल आज जो है वो मतलब जो कुछ भी हुआ है बहुत पॉजिटिव हुआ है, और जो आज हमने देखा उसमें मतलब ना वायलेंस हमने देखा, कुछ भी हमने नहीं देखा, हमने जो है ना बहुत बड़े बड़े एक्यूजेशन हमने नहीं देखे कि जो यहाँ पर रिगिंग हुई है और बैलेट चोरी हो गए हैं और बैलेट जो है बॉक्स चोरी हो गए हैं, इस तरह की कोई चीज जो है वो हमने नहीं देखी आज। सो ओवरऑल इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर इंडियंस, और मेरे ख्याल में इससे इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो स्ट्रेंथन हो जाएगी। बहुत इन डेप्थ एनालिसिस आपने पेश किया डॉक्टर आसिम। आपसे जानना चाहूंगी कि क्या, क्योंकि पाकिस्तान में तो एक नैरेटिव यही है कि हमेशा से कि मोदी को पसंद नहीं किया जाता, लेकिन अब मोदी की इस जीत, लेकिन उसमें एक तरह की हार के कम सीट्स मिली, इस पे पाकिस्तान खुश होगा, पाकिस्तान इससे एडवांटेज हासिल करेगा, बेनिफिट उसको कोई मिलेगा, ताल्लुकात होंगे नहीं होंगे, क्या ये जो एक डायनामिक सामने आई है वहां की पॉलिटिक्स की इस रिजल्ट के बाद, इससे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स या इंडिया के साथ ताल्लुकात पर क्या इम्पैक्ट आएगा? देखिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है वो इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो कोई चीज डिक्टेट कर सके इंडिया को। इंडिया जो है इट इज स्टिल इन द ड्राइविंग सीट, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज स्टिल इन द ड्राइविंग सीट, और वो जो है वो अपना एजेंडा उसी तरह से इंप्लीमेंट करेंगे जिस तरह से वो पिछले दो टर्म्स में उन्होंने इंप्लीमेंट किया है, और उसका एजेंडा पाकिस्तान के लिए ये था कि इग्नोर पाकिस्तान। इस वक्त मेरे ख्याल में शायद वो एक और अटेम्प्ट कर ले टू ब्रिंग सम नॉर्मेलिटी टू द रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज, लेकिन ये है कि अगेन अगर वो मतलब थोड़ा सा ऑलिव ब्रांच शायद वो दिखा दें इस मरतबा, अगर उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि ये जो जो उसका स्टांस था पिछले दो टर्म्स में, मेरे ख्याल में उस पर एक मोहर पड़ जाएगी कि हाँ आपने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि इस मरतबा भी आपने ट्राई किया और वो भी सक्सेसफुल ना हुआ। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि एक मरतबा वो ट्राई करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें जो है वो इस वक्त इंडिया पर हैं, स्पेशली अमरीका की नज़र जो है वो बहुत गहरी नज़र इस वक्त इंडिया पर है, और चाइना और रशिया की वजह से। तो चाइना और रशिया भी दे आर एक्चुअली लुकिंग एट इंडिया। पाकिस्तान के मतलब कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, चाहे पाकिस्तान उसको किसी भी नजर से देख ले, चाहे वो जो है वो मोदी की जीत पे खुश हो या खुश ना हो, या वो कांग्रेस की जीत पे खुश हो या खुश ना हो, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अमेरिका इसको किस नजर से देखता है, रशिया और चाइना इसको किस नजर से देखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और इस वक्त जो है वो अमेरिका के जो रिलेशनशिप है मोदी के साथ और इंडिया के साथ वो और भी स्ट्रेंथन होंगे, और जो बायलेटरल रिलेशंस है, जो ट्रेड रिलेशंस है, जो टेक्नोलॉजिकल रिलेशंस है बिटवीन द टू कंट्री, जो साइंटिफिक रिलेशंस है बिटवीन द टू कंट्रीज, वो और भी स्ट्रेंथन होंगी। तो स्पेशली चाइना की वजह से, क्योंकि चाइना की जो है वो बहुत एग्रेसिव पॉलिसी है, और यूएस सीज इंडिया एज अ काउंटर measure, as a counter effect, as a counter weight to China. तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जब आप जो है वो चाइना के लेवल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि यू आर एट पार विद चाइना, नॉट एट पार विद पाकिस्तान। तो इसी वजह से जो है ना वो मेरे ख्याल में काफी रिलेवेंट नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी एडवाइस करूंगा पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और एस्टेब्लिशमेंट को कि अगर इंडिया की तरफ से कोई इस तरह का कोई ऑफर मिलता है तो उसको पूरे तरीके से उसका फायदा उठाना चाहिए, और जितना भी नॉर्मलाइज कर सकते हैं रिलेशंस को और ट्रेड को उससे नॉर्मलाइज कर ले, और उससे जो है वो पाकिस्तान को फायदा होगा, इंडिया को शायद थोड़ा सा फायदा हो जाए, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा उसका पाकिस्तान को होगा। लेकिन हमने इन द पास्ट देखा हुआ है कि जो भी एफर्ट्स हुई हैं उन एफर्ट्स का कोई जवाब बेसिकली पाकिस्तान की तरफ से नहीं आया है। जब भी इंडिया ने कोई ऑलिव ब्रांच दिखाया है, पाकिस्तान ने जो है वो बॉर्डर पे गोलाबारी की है और एक नया राउंड जो है वो शुरू हुआ है। तो अगर वो मगर मतलब जो अभी चांस शायद आ जाए, अगर इसको भी वो लूज कर ले
तो ये है कि फिर मतलब बहुत अरसे तक ये रिलेशंस जो है ये इसी तरह से जारी रहेंगे और किसी को फायदा नहीं होगा। ठीक डॉक्टर साहब, इसमें एक ये चीज सामने आ रही है कि सवाल है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा, कि नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत में उन्होंने डिलीवर तो बहुत कमाल का किया, यानी जिस जगह पर इंडिया इस वक्त मौजूद है उनके पिछले 10 साल जब उठाकर देखते हैं तो भारत बहुत आगे आ चुका है। तो इतनी ज्यादा डेवलपमेंट और इसी के साथ पूरी दुनिया से बहुत ही जबरदस्त रिलेशंस, बेहतरीन पॉलिसीज, और फिर भारत के अंदर भी काफी रिफॉर्म्स वो लेकर आए, इसके बावजूद ये जो एक तरह की शिकस्त कही जा रही है, तो इस पे आप इसको क्या कहेंगे कि उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई था, उन्होंने 400 पार रख लिया था, तो जाहिर है कि फिर तो ये ऐसा होना ही था, या फिर एक बात ये भी की जा रही है कि कहीं बीजेपी के अंदर ही कहीं, जैसे कि यूपी में जो हुआ वहां पर योगी आदित्यनाथ हैं और योगी आदित्यनाथ को अगर वहां पर कुछ इग्नोर किया गया है तो वहां की सारी सीट्स जो कम हुई हैं सिवाय योगी के अलावा, उसमें कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स भी शामिल है। सर कैसे इसको आप इलैबोरेट करेंगे? So, उसमें कहते हैं, पॉलिटिक्स में कहते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे एवरी कंस्टिट्यूएंसी, एवरी पॉलिटिक्स इज लोकल पॉलिटिक्स, ठीक है ना? तो लोकल पॉलिटिक्स जो है खासकर साउथ एशियन डेमोक्रेसीज में लोकल पॉलिटिक्स बहुत बड़ी रोल प्ले करती है, ठीक है ना? ये कंस्टिट्यूएंसी टू कंस्टिट्यूएंसी होती है, चाहे बीजेपी जितनी भी पावरफुल हो, चाहे बीजेपी जितनी भी पॉपुलर हो, चाहे मोदी जितने भी पॉपुलर हो, लेकिन अगर कंस्टिट्यूएंसी लेवल पर लोग खुश नहीं है, ठीक है, या लोग जो है वो किसी लोकल लीडर से नाराज हैं तो वो दूसरे को वोट देंगे, ठीक है ना? तो इसी तरह से मतलब कंस्टिट्यूएंसी लेवल पर इसी तरह से होता रहता है। इसमें लोकल लीडर्स जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और अगर लोकल लीडर्स पॉपुलर ना हो तो चाहे नेशनल लीडर जितना भी पॉपुलर हो, एट द एंड जो है वो आपको शिकस्त खानी पड़ती है। तो शायद उसके कुछ इस तरह के कुछ रीजंस हों, लेकिन इस वक्त जो जो सिचुएशन है वो ये है कि जितनी भी मतलब सीटें मिली हैं उसको बीजेपी को, दे शुड बी गुड विद दैट। दूसरा इसमें जो एस्पेक्ट होता है वो ये होता है कि पॉलिटिशियंस जो है वो इस तरह की बातें कह देते हैं जो कि लेटर उनको रिग्रेट करना पड़ता है। मेरे ख्याल में इस वक्त मोदी जो है वो रिग्रेट कर रहे होंगे कि हम मैंने क्यों इस तरह की एक स्टेटमेंट दी, कि मतलब इतना मैं इसको इस तरह से देख रहा हूं कि ही सेट हिमसेल्फ अप फॉर फेलियर, ठीक है ना? तो उसने अपने आप को जो है ना वो सेट कर दिया है फेलियर के लिए, उसको मतलब इतनी बड़ी जो है वो जो स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी टू बिगिन विद, लेकिन पॉलिटिशियंस जो है वो इस तरह की चीजें जो है वो कहते रहते हैं एक्चुअली, ठीक है? तो उसमें ये है कि फिर रियलिटी उस तरह से नहीं होती है, उसको शायद पता था। आई मीन ही इज अ वेरी वाइज पर्सन एक्चुअली, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, इज अ वेरी शार्प पर्सन, तो उसको डेफिनेटली ग्राउंड रियलिटीज उसको मालूम ही होंगे। ये नहीं है कि उसको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दिया होगा कि जो ग्राउंड रियलिटीज डिफरेंट है, और किसी ने उसके कान में कहा होगा कि जी नहीं हम जो है वो 400 सीटें जीतेंगे, और उसने उस पर यकीन किया होगा कि जी हम जो है वो ठीक है हम 400 सीटें जीतेंगे। उसको बहुत अच्छी तरह से पता है, उसको उसका जो हाथ है ना वो इंडियन पॉलिटिक्स के नबस पर होता है हमेशा से, तो उसको अच्छी तरह से पता है कि ग्राउंड रियलिटीज क्या थी। शायद उसने इसी वजह से कहा होगा कि लोग जो है वो जाएं और भी वोट दे दें उसको, और उसको मतलब और भी अच्छी तरह से, ताकि उसकी जो जो जितनी भी वो सीट्स हैं वो और भी ज्यादा हो जाएंगी, इसी वजह से शायद उसने स्टेटमेंट दिया होगा। लेकिन आई एम श्योर कि उसको रियलिटी का पता था, और अभी भी मतलब से कोई सर, यानी कि जी डॉक्टर साहब के वो यूपी के लड़के, वो जब वो पार्टीशन हुई थी तो उस वक्त भी पाकिस्तान बनने के वक्त कहा था ना, यूपी के लड़कों की शरारत है या अलीगढ़ के लड़कों की शरारत है, तो ये कहा जा रहा है कि ये यूपी के लड़कों की शरारत है। तो आपको ख्याल है कि मोदी साहब को पता था यूपी के लड़कों की शरारत का, लेकिन शायद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था या कुछ ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, यानी वो ये समझते थे, उनको पता था कि यूपी में वो उनको ऐसा हो सकता है? उसको आई एम श्योर कि उसको पता था कि मतलब यूपी में जो है वो सीट्स लूज कर सकता है, लेकिन शायद उसने स्टेटमेंट इसी वजह से दिया होगा कि बाकी जो प्रोविंसेस है उसमें उसको
एक्सपेक्टेशन से ज्यादा सीट्स मिलेंगी। तो किसी वजह से उसने उसको शायद फैक्टर इन किया होगा कि इवन इफ आई लूज सीट्स देयर, बाकी जो स्टेट्स हैं उसमें मैं ज्यादा सीटें जो है वो जीत जाऊंगा, जो कि नहीं हुआ बेसिकली। लेकिन अगेन इलेक्टोरेट्स हैज स्पोकन, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रेट जो इलेक्ट्रेट जो है ना वो जब बात कर लेते हैं तो यू मस्ट लिसन टू दैट। एंड आई एम श्योर कि राइट नाउ मूडी इज सिटिंग इन हिज होम इन हिज ऑफिस, वो जो है वो इस कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, वो अपनी स्ट्रेटजी जो है वो स्ट्रेटजी बना रहा है कि मैंने ये जो 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 मैंडेट हासिल किया है जो कि लेस देन एक्सपेक्टेड मैंडेट है, इसको अब मैंने किस तरह से कैपिटलाइज करना है, मैंने किस तरह से इसको इसके ऊपर जो है वो मैंने किस तरह से नेक्स्ट 5 years को बिल्ड करना है, क्योंकि इट इज पॉसिबल कि दिस इज हिज लास्ट टर्म, ठीक है ना। तो इस वजह से ये है कि मतलब बीजेपी इज देयर टू स्टे, इसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस जो है ना वो अब भी नेशनल लेवल पे अब भी बहुत जो है ना वो एक लोअर लेवल पे है एज कंपेयर टू बीजेपी। सो बीजेपी इज देयर टू स्टे, मेरे ख्याल में वो जो है वो नेक्स्ट लीडर को इस टर्म में वो तैयार करेंगे कि जो नेक्स्ट लीडर होगा बीजेपी का वो कौन होगा या कौन होगी, और उन्होंने जो है ना वो किस तरह से नेक्स्ट इलेक्शन के लिए मेरे ख्याल में अभी से उन्होंने तैयारी करनी होगी, क्योंकि कांग्रेस कैन एक्चुअली गिव देम अ हार्ड टाइम अगेन। तो इसी वजह से आई एम श्योर के वो स्ट्रेटजी जो है वो बना रहे होंगे कि किस तरह से नेक्स्ट इलेक्शन के लिए रेडी होना है और किस तरह से नेक्स्ट इलेक्शन में जो है ना जो जो, जो सीट्स उन्होंने हारी हैं वो किस तरह से उसको रीगेन कर ले। उन स्टेट्स में दे हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, और उन स्टेट्स में जो है दे हैव टू ट्वीक देयर पॉलिसीज, दे हैव टू चेंज देयर पॉलिसीज वेयर दे लॉस्ट द सीट्स। आपने कहा कौन होगा या होगी, तो मैं तो कहूंगी कि मेरी फेवरेट कंगना को बना दे, उनको कंगना रनौत को इतना ऊपर ले आए कि नेक्स्ट जो है वो लीडर बन जाए, सर क्या ही बात होगी। लेकिन डॉक्टर साहब आखिरी सवाल कमेंट आपसे ये मैं चाहूंगी सर, ये जो हमें देखने को मिला इतनी जबरदस्त डेमोक्रेसी, और जो इलेक्शंस में हमने अभी पहले बात भी की कि दो मरतबा 10 साल से मोदी साहब की हुकूमत, लेकिन वो कहीं पर भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि कहीं पर कोई धांधली की कोशिश की गई हो, कोई रिगिंग की कोशिश की गई हो, कोई सवाल ही नहीं इसका। तो क्या इससे पाकिस्तान लर्न कर सकता है, सबक उठा सकता है कि भाई साथ में जो हमसाया है देखिए वहां पर तो कुछ भी नहीं होता, तो हमारी तरफ तो मतलब घमसान का रन पड़ जाता है, या फिर आप समझते हैं कि डायनामिक्स ही मुख्तलिफ है, हो ही नहीं सकता ऐसा। लास्ट कॉमेंट आपका चाहूंगा। Indian democracy is a model not just for South Asia but for the entire world, ठीक है ना। So इससे जो है ना पूरी दुनिया सीख सकती है, South Asia को definitely इससे सीखना चाहिए, और I am sure के Sri Lanka, Bangladesh and to some extent Nepal as well, they are actually watching this very closely. वो इससे सबक सीख रहे हैं, वो देखना चाहते हैं कि किस तरह से जो है ना वो इसको एक इलेक्शन को किस तरह से कंडक्ट किया जा सकता है और कंडक्ट किया जाना चाहिए। तो आई एम प्रीटी श्योर कि बांग्लादेश जो है इट विल लर्न अ लॉट फ्रॉम इट, श्रीलंका विल लर्न अ लॉट फ्रॉम इट। आई एम नॉट सो श्योर अबाउट पाकिस्तान कि पाकिस्तान इससे कुछ सीख जाएगा या नहीं, क्योंकि वही जो है ना वो एनमिटी वाली बात है, वही जो है ना वो एक एनिमोसिटी वाली बात है, दुश्मनी वाली बात है कि जो है हम दुश्मन से क्यों सीखे, हमने तो दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। तो मेरे ख्याल में वही एक माइंड सेट होगा कि हम जो है वो हिंदुओं से हम क्या सीखेंगे। तो वो एक माइंड सेट, अगर उस माइंड सेट से आप इस इलेक्शन को देखेंगे तो फिर आप कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। हालांकि इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं कि किस तरह से एक इलेक्शन को उन्होंने कंडक्ट किया है, जिस प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने इस इलेक्शन को कंडक्ट किया है, और जिस मतलब जो इंडिपेंडेंट उनका जो इलेक्शन कमीशन है कि उसने कोई भी जो है ना वो इन्फ्लुएंस कबूल नहीं किया। आई एम श्योर कि लोगों ने कोशिश की होगी कि उसको इन्फ्लुएंस किया जाए, लेकिन किसी ने उसके इन्फ्लुएंस को एक्सेप्ट नहीं किया है, एंड दे डिड अ फैंटास्टिक जॉब ऑफ होल्डिंग दिस इलेक्शन इन अ फेयर एंड एन इक्विटेबल एंड फ्री मैनर। सो कूडोज टू देम। थैंक यू सो मच डॉक्टर आसिम यूसुफ़ज़ई, आई मस्ट से फैंटास्टिक एनालिसिस बाय डॉक्टर साहब, और आप बहुत अब गहरी नजर से जो है वो इंडियन पॉलिटिक्स को देखते हैं, और जिस तरीके से आपने सारा जो जो वर्ल्ड से उनके जो अब आगे ताल्लुकात होंगे उसको कैसे इम्पैक्ट इस इलेक्शन पर होगा, आपने बहुत गहरी नजर से देखा। बहुत शुक्रिया सर, दोबारा भी आपसे बात होगी। गुड टू बी विद यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।